अमरोहा में 3 बजे तक का 52% रहा, मेरठ में 3 बजे तक का वोट परसेंटेज 47.6% रहा, बागपत में 3 बजे तक मतदान 42% रहा, गौतम बुद्ध नगर में 44% मतदान रहा, जहां से महेश शर्मा प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये हम आपको एक एक जानकारी, हर एक जानकारी दे रहे हैं और साथ ही वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कैसे बढ़ चढ़ कर जो तमाम मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन भी ढल रहा है, धूप भी ढल रही है और इसीलिए अब और ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन 6 बजे तक ही मतदान करना है और 6 बजे तक का वक्त है लोगों के पास वोट कास्ट करने के लिए। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सारे काम छोड़ के अगर अब तक आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो अपना मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी ज़रूर दर्ज करवाने के लिए पहुँचें। 4 जून को नतीजे आएंगे और उसी के लिए आज मतदान चल रहा है। अमरोहा में 3 बजे तक 52% मतदान रहा है, अलीगढ़ में 44.03% मतदान रहा है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हर एक जानकारी हम आपको दे रखी है। मथुरा में देखें 39.45% वोट पड़े हैं मथुरा में अब तक, और साथ ही बागपत से पवन गौड़, बुलंदशहर से प्रशांत कुमार हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, वहां की कैसी तस्वीरें प्रशांत जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करके आए हैं। आप लोग अपना निशान दिखाइए, आप लोगों ने वोट कर दिया है, तो ये सभी वो मतदाता है जो वोट करके आए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रेखा। अच्छा रेखा जी, आपने वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? बस हमारा देश प्रगति करे और उन्नति करे, और हमारे देश में मोदी जी जैसे या और भी अच्छे नेता हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएं और जनता का उज्जवल भविष्य हो। हमारे साथ और भी मतदाता हैं, क्या नाम है आपका? मैडम वंदना गुप्ता। अच्छा वंदना जी, कहाँ से आई हैं? मैं बुलंदशहर से हूँ। अच्छा किस मुद्दे को लेके आज आपने वोट किया है? वोट हमें देना चाहिए क्योंकि हमारे कर्तव्य है कि अपने देश के हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें वोट जरूर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गुप्ता। अच्छा राजीव जी, क्या सोच के आज आपने वोट किया है और किन मुद्दों को लेके आए? देश प्रगति करे और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारी सरकार है उसने हमको सुरक्षा बहुत प्रदान करी है, प्रगति प्रदान करी है, डेवलपमेंट हुआ है, तो ये सब चीजें आगे जारी रहनी चाहिए। किन मुद्दों को लेके आज आप चुनावी करने आए? विकास को लेके, हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने बहुत विकास करा है, सारी समस्याओं को समझते हैं और सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सबके लिए, महिलाओं के लिए। तो इनसे ये भी बातचीत करिए, इनसे ये भी बातचीत करिए प्रशांत की, डॉक्टर भोला सिंह जो एक बार फिर से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, पिछले चुनावों में भी उन्हीं की जीत हुई थी, उनके मौजूदा सांसद को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा काम वहां पर उनकी तरफ से किया गया विकास को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपके जो मौजूदा सांसद थे, 2 बार सांसद चुने गए, तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में, क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य? उन्होंने विकास किया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, देश में हमारे बुलंदशहर में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और पहले गांव जैसा लगता था बुलंदशहर जब मेरी शादी हुई थी, अब मेरे को तो बहुत अच्छा शहर लग रहा है, नोएडा जैसा ही लग रहा है बुलंदशहर, बहुत सारे शोरूम हो गए यहाँ पर, पहले कुछ नहीं था, अब बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पर, अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही बनने वाला हमारा बुलंदशहर। ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं, बागपत से हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं, राजकुमार सांगवान आरएलडी प्रत्याशी यहाँ से हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर भी पवन देखने को मिल रहा है, वोटर्स में कितना उत्साह है, वोटर्स के मुद्दे क्या है इस बार के चुनावों को लेकर जरा बातचीत करें। व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है, और वहां हम मौजूद हैं बूथ नंबर 127, 28, 29, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेकर और तकरीबन 11-12 बजे तक मतदान अच्छी खासी संख्या में हुआ, लेकिन उसके बाद में जैसे धूप बढ़ती गई तो मतदाताओं की संख्या कम होती चली गई, लेकिन उसके बाद में अब फिर से जो मतदाता है वो अपने घरों से निकलने लगे हैं। आप अभी वोट डाल के आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में, क्या कुछ सोच के वोट आपने डाला है? मुद्दे है जी, अच्छा काम हो और अच्छा कैंडिडेट आए, जिसको हमने वोट दी वो ही जीते। हमने अभी भी वोट किया, सुबह से ज़्यादा भीड़ थी अब तक का, अब सोचा कि अब इस टाइम आकर के थोड़ा छीट मिलेगी, तो इस करके अब लेट आए।
जिस तरह से अभी तक पहले चरण में देखा मतदान प्रतिशत जो है वो कम हो रहा है, क्या आप कहेंगे कि अब अभी दो घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है और ज्यादा मतदाता निकले? अच्छा, वो ऐसा होता है, सुबह तो थोड़ा ठंड सा मौसम होता है तो ज्यादा मतदान आते हैं। बिल्कुल, साथ ही इनसे पवन गौड़ ये भी बातचीत करिए, अगर पिछले चुनावों की बातचीत करें तो पिछले चुनावों में बीजेपी की यहाँ से जीत हुई थी डॉक्टर सतपाल सिंह की, अब आरएलडी और बीजेपी साथ में है, इसको लेकर इनका क्या कहना है? ठीक है, धन्यवाद। आइए हम और तमाम जो मतदाता हैं वो भी अपने वोट करके बाहर निकल रहे हैं। अभी आप वोट डाल के आए, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग के अंदर वोट डालने के बाद? भाई अभी कुछ नहीं, बाद में पता चलेगा। अभी आप वोट डाल के आई हैं, क्या कुछ सोच के वोट डाला है, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या चाहती हैं आप? देखिए वोट डाल के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ वोट डालने आए हैं, आप युवा हैं, क्या सोच के आप वोट डालने यहाँ पहुंचे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? बस मुद्दे तो यही है भैया कि राम मंदिर बनेगा, इसलिए वोट दे रहे बीजेपी को। अभी तक यहाँ बीजेपी से डॉक्टर सतपाल सिंह सांसद थे, अब ये सीट जो है आरएलडी के खाते में चली गई है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ से प्रत्याशी हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को अगर आप यहाँ? भैया बीजेपी आरएलडी गठबंधन तो ठीक है, लेकिन वोट तो बीजेपी को जारी ना, ये गठबंधन ही तो हो गया, वोट तो बीजेपी की तरफ ही है, तो बीजेपी को सोच के वोट दे रहे सब। आप भी यहाँ पहुंची हैं, क्या कुछ सोच के आप वोट डालने यहाँ पहुंची हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में मुद्दा है, एक तो बेरोजगारी और सुरक्षा तो है ही है, सुरक्षा में तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस बच्चों को जो है बेरोजगारी की वजह से जो है हमारे युवा वर्ग जो है वो डिस्टर्ब है। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सोच के आप वोट डालने पहुँचे हैं? हमें जी हमारा पेमेंट हुआ बहुत अच्छा हुआ, और अब तक कोई और हमारा पेमेंट अच्छा हुआ, मोदी सरकार ने हमें पेमेंट दिया, और किसानों के हर सरकार में यहाँ पावर आई और लोन माफ है और अच्छे काम करे, और हम न्यू वोट दे रहे और अपने भाई जान की अधिकार मजबूत करने लिए हम वोट। तो आपने सुना कि ये जाटलैंड है, जाटलैंड में गन्ना किसानों का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो यहाँ किसानों का भी कहना है कि अच्छा खासा पेमेंट यहाँ मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। हाँ, बेरोजगारी एक कंसर्न यहाँ के लोगों का जरूर है, उसकी ओर भी जो भी सरकार आए उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। बड़ी बात ये है यहाँ पर पवन गौड़, लेकिन बड़ी बात ये है कि आरएलडी के तरफ से भले ही यहाँ से उम्मीदवार उतारा गया हो राजकुमार सांगवान को और बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो, लेकिन बीजेपी के ही नाम से जनता यहाँ पर वोट कास्ट करती नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हर एक तस्वीर के बारे में जानकारी आपको देंगे, लेकिन